आज के समय में किस वजह से मेंटालिटी का सबसे जास्ती हनन हो रहा है? बाबा, यज्ञ के आदि में तीन विदेशी आत्माएं थी जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया। उनमें दो ने तो शादी कर ली, परंतु जो इस्लाम धर्म का बीज है उसने तो शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी है, कुमार बताया है, तो फिर वो महाकामी और क्रोधी कैसे साबित हुआ? क्या शादी करने से ही महाकामी क्रोधी होते हैं? है? टीवी देखने से और उपन्यास पढ़ने से कामी क्रोधी नहीं बनते? बाबा ने तो यही बोला है। जो फिल्म है और जो उपन्यास है आज की दुनिया के, वो पढ़ने से आत्मा का सबसे जास्ती हनन होता है, मेंटलिटी नीचे गिरती है। मनसा से जो भोग भोगा जाता है उससे इंद्रियों में क्षीणता नहीं आती है क्या? कर्मेंद्रियों से कोई भोग भोगे या न भोगे, लेकिन मनसा से स्मरण करता रहता है तो उसकी क्षीणता होती है या नहीं होती है? है? होती है। ये सन्यासियों का मिसाल है। गृहस्थी तो कर्मेंद्रियों से भोग के मुक्त हो जाते हैं, उनकी मनसा मुक्त होती है, इसलिए किसी विचारक ने कहा है कि कुमारों की एक चिंता और गृहस्थियों की 9999 चिंताएं। पलड़ों पर रखी जाए तो कुमार की चिंता भारी पड़ेगी, गृहस्थी की 9999 चिंताएं हल्की हो जाएंगी।